हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे इस वीडियो में आपको, ये हमारे पास एक कमेंट आया है, देखो इन्होंने लिखा 40 मन और 2000 का रेट है तो कितना पैसा बनता है। इनका ये कहने का मतलब, इन्होंने हमारा वीडियो देखा है, गेहूँ वाला, गेहूँ का रेट 1830 रुपये कुंटल है तो 63 किलो 300 ग्राम कितने रुपये के होंगे, ये वीडियो देखा है। तो इन्होंने ये पूछा है 40 मन 2000 के हिसाब से कितने पैसे हो जाएंगे। तो हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर पर, आप ध्यान से देखें। ये देखो अपने कैलकुलेटर पर आ चुके हैं, यहाँ आपको लगाना है। जैसे इन्होंने बोला है 2000 रुपये कुंटल है और 40 मन गेहूँ है तो कितने हुए, पहले आप लगाइए 40 मन गेहूँ कितना होता है, ठीक है। तो बोले तो एक मन में 40 किलो गेहूँ रहता है, ठीक है, कितना, एक मन में 40 किलो गेहूँ रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इन्होंने बोला 40 मन गेहूँ है तो यहाँ गुणा का निशान लगाएं फिर 40 लगाएं, तो ये कितना बन गया, 1600 किलो, ठीक है, कितना, 1600 किलो। इसमें आपको भाग देना है 100 का, क्योंकि एक एक कुंटल गेहूँ में 100 किलो वजन रहता है, ठीक है। जैसे हमने 100 का दे दिया तो ये 16 कुंटल गेहूँ बन गए तुम्हारे 40 मन की, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, गुणा का निशान लगाना है। उनने बोला 2000 रुपये किलो, ठीक, 2000 रुपये कुंटल गेहूँ है तो कितना होगा, ठीक है। तो ये देखो आपका कितना पैसा बनेगा, ये देखो 32000 रुपये बनना है आपका, 40 मन गेहूँ है आपका, ठीक है, और 40 मन गेहूँ है और एक कुंटल का रेट 2000 है, तो ये देखो यहाँ आपका आ चुका है, बोले तो 32000 रुपये आपका बनना है, ठीक है, 40 मन गेहूँ का आप, तो ये देखो कितना 32000 आ चुका है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो आपकी समझ में आया है तो लाइक करना, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना, और आपके पास कोई कमेंट है तो आप कर सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फ्रेंड।